ये फिल्म प्योर रोमांस है, ना कोई विलेन है, ना कोई आइटम नंबर है, ये एक कपल की कहानी है और बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। एक कपल जो एक दूसरे को बेहद बेहद चाहता है, पर वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मतलब इतना जकड़ गया है कि वो भूल गया है अपने आप को एक दूसरे को बताना कि वो एक दूसरे को लव करते हैं। रूबरू एक रिलेशन लव के बारे में, प्यार के बारे में, दो लोग, दो इंसानों के बीच जो साथ में रह चुके हैं, दो साल से साथ में रह चुके हैं, और किस तरह से दो साल बाद आप एक दूसरे को ये बताना भूल जाते हैं कि कितना आप एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कहीं दूरियाँ आ जाती हैं, और क्या पता किसी दिन अगर वो आपसे दूर चले गए तो आप कभी उनको ये बता नहीं पाएंगे। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील एंड यू मस्ट ब्रिंग दैट चेंज इन योर लाइफ टू बी एबल टू टेल पीपल जो आप फील कर रहे हैं। इट्स अ गाय हु इज लॉस्ट इन हिज वर्क, जो कि अपनी एम्बिशन में, अपने अपने काम में और सब में घुसा हुआ है, अपने माँ बाप गर्लफ्रेंड सबको भूल के साइड में रखा हुआ है। वो सोचता है कि एक दिन जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, एक दिन जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, तो मैं सबको दिखा दूंगा मैं कि उनको कितना प्यार करता हूँ। पर उस दिन अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो किसको बताओगे भाई, किसके साथ शेयर करोगे? तो आज ही कर दो ना। इसमें रणदीप हुड्डा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड हैं तारा, जो शाहना गोस्वामी ने प्ले किया है, वो एक एक्ट्रेस और सिंगर हैं। तो ये उनके कमिटमेंट की बात है जो तारा चाहती हैं उनसे, रणदीप से, पर रणदीप अपने काम में इतने जकड़े हुए हैं कि वो उनको इग्नोर करते जाते हैं। टिल द डे शाहना डिसाइड्स टू टेक एक छोटा सा स्टेप टू रेक्टिफाई, और फिर वो फिल्म अनफोल्ड करती है। इस पिक्चर का मेन थीम लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, इस पिक्चर का मेन थीम है मोहब्बत, मोहब्बत जताना, मोहब्बत जता के अपने आप को तो एटलीस्ट शांति देना कि चलो अगला तो नहीं सोचेगा कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.